नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन। दोस्तों मैं रणवीर सिंह देखे फिर आ गया हूं एक अपडेट लेकर। देखिए अपडेट जो आ रही है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से अपडेट आ रही है और देखिए ये भर्ती विज्ञापन आपके लिए है। देखिए इस भर्ती विज्ञापन के अंदर देखिए जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, भर्ती है, वो आ चुकी है। इस पर देखिए यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए 189 मतलब 189 पदों के लिए ये भर्ती आ रही है। इसकी आखिरी तारीख है वो है देखिए 6 जुलाई 2022 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आप 6 जुलाई का इंतजार ना करें, आज ही अपना फॉर्म भरें और अपनी सीट पक्की करें। दोस्तों इस पूरे वीडियो में आगे में मुख्य मुख्य पॉइंटों पर बात करने वाला हूं। देखिए यहां पर आपकी पोस्ट डिटेल्स और आपका देखिए यहां पर एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और देखिए कैसे अप्लाई करना है और आपका देखिए एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा और इम्पोर्टेंट लिंक्स उस पर भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको हमने बताया आपको कि टोटल जो पद हैं वो हैं आपके 189। तो देखिए यहां पर नॉन टीएसपी एरिया के 144 पद हैं और देखिए यहां पर टीएसपी एरिया के 45 पद हैं। तो टोटल मिला के देखिये जूनियर इंजीनियर के 190 पद यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, 190 पद यहां पर हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए ये आपका जूनियर इंजीनियर कृषि विभाग में है, याद रखें। आगे चलते हैं, देखिए इसकी क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे। एज लिमिट की बात करूं तो देखिए जो आपको छूट मिलती है, जिस कैटेगरी में आप हैं वो आपको मिलेगी, लेकिन मिनिमम जो एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो एज है वो है 40 साल। आगे चलते हैं, देखिए अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो इस भर्ती के लिए जो योग्यता रखी है वो देखिए भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक, मतलब एग्रीकल्चर में आपको इंजीनियरिंग और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करेंगे, देखिए यहां पर अप्लाई आपको कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आप देखिए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन पर आप जाएंगे, उसके बाद आपके सामने देखिए भर्तियों की लिस्ट खुल के आएगी और देखिए वहां से आप कनिष्ठ अभियंता एग्रीकल्चर भर्ती 2022 के सामने ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉग इन कर लेना है और लॉग इन करने के बाद लोगों के सामने कनिष्ठ अभियंता एग्रीकल्चर भर्ती के आवेदन खुल जाएंगे और वहां से आप सही सही अपना आवेदन भर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे, देखिए यहां पर एप्लीकेशन फीस की। यहां पर देखिए सामान्य वर्ग में क्रमिलियर और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रूपये मतलब 450 और राजस्थान के नॉन क्रमिलियर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए देखिए 350 मतलब 350 रूपये, समस्त रूप से योग्य जन, समस्त विशेष योग्य जन और राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनके लिए देखिए 250 मतलब 250 और सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है उनको भी यहां पर देखिए 250 रूपये में फॉर्म भरना है। आप देखिए ये पूरी मैंने मेन मेन चीजें आपको इस पूरे विज्ञापन के अंदर बता दी, क्वालिफिकेशन आपकी सब हो गई। अब देखिए यहां पर लास्ट डेट भी मैंने सबसे पहले आपको बताई थी 6 जुलाई, फिर बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि तुरंत आज ही फॉर्म भर दें आप, लेट ना हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि वेबसाइट और बड़ी लोड रहता है, लिंक काम नहीं कर पाते, प्रॉपर खुल नहीं पाते, तो आप सबसे पहले फॉर्म भरने की आदत डालें। तैयारी आप कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर्म भरने की आदत डालें ताकि आपका सेंटर भी कहीं ना कहीं आपके आसपास आएगा। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक आपको यहां से मिलेगा, तो वहां पर आप जाएंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, लेकिन एसएसओ आईडी के बिना नहीं होगा दोस्त, एसएसओ आईडी आपकी होनी चाहिए। तो देखिए ये आपका कनिष्ठ अभियंता एग्रीकल्चर भर्ती के बारे में जो डिटेल थी, मुख्य मुख्य चीजें थी, वो हमने आपके साथ शेयर करी। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संदेश सभी साथियों तक शेयर करें, जन जन तक शेयर करें, इस पूरे लिंक को शेयर करें यूट्यूब के को, क्योंकि सबसे पहले हम आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं, भर्ती विज्ञापन हो, भर्ती संबंध कोई नोटिफिकेशन हो या कोई भी विश्लेषण हो, आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। फिर आते हैं अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।